आप देख रहे हैं एलटी न्यूज 24/7 जो हर खबर आप तक पहुंचाते हैं। आइए डालते हैं आज की ब्रेकिंग खबर पर एक नजर। हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन हदूद NMDC के करीब एक स्टील के शोरूम में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसलात के मुताबिक महालक्ष्मी स्टील पैलेस नामी शोरूम के मालिक शोरूम बंद करके घर जाने के बाद वॉचमैन ने फोन पर बताया कि आग लगी है दुकान पर। मौके पर हुमायूं नगर पुलिस और फायर ब्रिगेड पहुँच कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस हादसे में शोरूम के मालिक को 20 लाख के करीब नुकसान हुआ। देखे ये रिपोर्ट। बंद करे साहब दुकान, घर बंद करके घर को गया खाना खा के ऐसा बैठे। नीचे के बच्चे फूल की दुकान और वॉचमैन ने फोन कराया था, धूल आ रहा भाई आके देख लो। तो जब तक उन्होंने पॉकेट से पानी मार रहा तो फिर भी वो कम नहीं हुआ। तो फिर फायर इंजन को उन लोग ही फोन करके बुलाया। फायर इंजन वाला आके मारे तो जो कंप्यूटर रहता ना काउंटर के नहीं वहाँ पर थोड़ा बहुत शॉर्ट सर्किट से ये जल गया। कितना लॉस हुआ? मिनिमम 10 to 20 lakh। तो वैल्यू सेलिंग है, वैल्यू नहीं बोल सकते कितना है, मिनिमम तो होता वैल्यूएशन।